अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग सी मरल का बारबेक्यू बना के दिखाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी है। चलिए देखते हैं नवाब्स किचन के स्टाइल में कैसे बनाते हैं। आज हम लोग सी मरल बारबेक्यू प्रोसेस कर रहे हैं। जी हाँ, उसके लिए मैरिनेशन के लिए जो मसाले की जरूरत है उसका प्रिपरेशन देखेंगे। पहले हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसी जिंजर गार्लिक पेस्ट में हम लोग रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट टर्मरिक पाउडर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ब्लैक पेपर पाउडर। ब्लैक पेपर के साथ साथ हम लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स करे बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करेंगे ताकि और अच्छा मिक्स हो सके।
फिश पे सारे मसाले अच्छी तरह अप्लाई करे बाद इसको हम लोग 1 आवर तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे, उसके बाद आग पे चढ़ाएंगे। मैरिनेटेड सी मरल को हम लोग लगातार 1.5 आवर तक उसको हल्के से आंच पे पकाना पड़ा। जब वो कोल के हीट पे 1.5 आवर तक पका हुआ इसी मरल को हम लोग टेस्ट भी करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आज बघारा राइस और टमाटो करी भी बनाए थे, सभी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। चलिए फिश परफेक्टली बॉयल हो गया है और बहुत ही मज़ेदार है। सारे मसाले 1.5 आवर तक मैरिनेट होने की वजह से सारा मीट जो भी मसालों का फ्लेवर है वो परफेक्टली एब्जॉर्ब कर चुका है और जो टेस्ट इसमें जो आ रहा है बहुत ही मज़े का है। अगर आप चाहें तो इस पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट। इसी यम्मी फिश को हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और नीडी पीपल को बघारा राइस और टमाटो ग्रेवी के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए
आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए और दोस्तों को रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करिए, उसके वजह से और भी थोड़े लोग फायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।